नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मंच से विधानसभा अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, सामने जनता बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसी दौरान तेज बारिश आई, जनता ने कुर्सी को अपने सर पर रख लिया, विधानसभा अध्यक्ष को सुनती रही। यह नजारा देखकर विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार बोलते रहे। मनगवा के देव तालाब में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की सड़क के भूमि पूजन के दौरान दिखा यह नजारा। विधानसभा अध्यक्ष मनगवा में गए तो थे सड़क का उद्घाटन करने। सड़क का उद्घाटन करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जब भाषण देने लगे, उसी दौरान बारिश हो गई। भीगते पानी में जिस कुर्सी पर जनता बैठी हुई थी, उस कुर्सी को उन्होंने अपने सर के ऊपर रख लिया और लगातार विधानसभा अध्यक्ष का भाषण सुनते पब्लिक नजर आई। पब्लिक वहां से नहीं भागी। इस नज़ारे को देखकर विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार बोलते नजर आए। उनका कहना था, आज मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मुझसे लोगों ने मांग की शुरू में कि सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए, लेकिन उस जगह से हटने के पहले उस इलाके में लगातार बारिश हुई। इसलिए मैं अपने इलाके के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ भी बारिश की ज़रूरत है मेरा कार्यक्रम बुला लीजिए, मुझको बुला लीजिए, मैं आऊँगा। बारिश हो जाएगी, वोट देना न देना वो एक अलग मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष देवगांव में लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपए की सड़क का भूमि पूजन कर रहे थे। उस दौरान बारिश के दूर दूर तक आसार नहीं थे। विधानसभा अध्यक्ष जैसे ही मंच पर पहुंचे और भाषण देने लगे, उस दौरान काफी तेज बारिश हुई। विधानसभा अध्यक्ष के सर के ऊपर छाता, सामने जनता जिस कुर्सी पर बैठी थी उसी कुर्सी को उसने अपने सर के ऊपर रख लिया और विधानसभा अध्यक्ष को बोलते हुए बड़े ध्यान से सुनती रही। पानी में भी विधानसभा अध्यक्ष लगातार ये देखकर और भी बोलते रहे। उन्होंने कहा, पिछले परिणाम को याद कीजिए, पिछली बार 3000 की लीड थी, इस बार इसे 10000 में बदलना है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास हो। जितने भी काम भूमि पूजन मैंने किए हैं, उन सब के काम मैं प्रारंभ करा दूंगा अधिसूचना लगने के पहले। ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी। खास तौर से वो नजारा देखने ही लायक था, जब मंच से विधानसभा अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, सामने जनता बड़े ध्यान से उनको अपने छत पर, अपने सर पर कुर्सी रखकर सुन रही थी। ताकि ये बब्बू वाले टोला से लेकर 20 सड़क बनाने सड़क का निर्माण, ये कुल मिलाकर के 7 करोड़ 84 लाख की है। 7 करोड़ 84 लाख, इसमें 12 फीट चौड़ाई की हम सड़क बनाएंगे, 6 फीट पटरी दोनों पार बनाएंगे, इसमें 29 जगह पुलिया जो छोटी छोटी बनती है, 29 जगह पुलिया बनाएंगे और इसका कार्य शुरू होने का 12 महीने है। विकास के लिए वोट कर, लोगों के कल्याण के काम करने वाले के लिए वोट कर, और मैं इसलिए वोट करता हूँ। आप जानते रात भी देख करता कहीं बोल कर भी वोट दबाने पाकर खड़ा होगा, एक विश्व निश्चित करके घर में आकर के खड़ा होगा, मदद का आग्रह करता कोई हमारे लिए मदद नहीं करता। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।